शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। I would like the new students to introduce themselves as their names are called out. चल अभी तेरा भी नंबर आएगा। Ready man. Gaurav Gopal. Hi, I'm Gaurav Gopal from Mumbai. इसका नंबर ना सारी की सारी लड़कियों के पास मिलेगा और अपना। अखिलेश मिश्रा 92%. Hello, I'm Akhilesh Mishra from Mira Road. Miss Radhika Kulkarni from Surat 97%. She is a brilliant student. College ki prefect bani hai. You know, faculty. Radhika topped in the SSC exam all over Maharashtra. She is also the junior chess champion of the state. The beast champion from Calcutta. Suraj Srivastav, Banaras. I hope you have a more attentive year in this college, Mr. Srivastav. I wish you all the best and a wonderful year. Thank you. सूरज, मैं धीरज को बोला था तेरा सामान संभाल के रखने को, पर इधर हर नया स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही है मैन, यू कांट हेल्प इट। हैव सम मार्क एंड लड्डूज मैन, दे आर रियली हॉट। पूजा, वो नहीं, ये किताब वापस दीजिए, वापस कर दीजिए ये किताब। चलो। Hey, angry man from Banaras. Take it easy, man. Chill out. क्या है इस किताब में? हाँ, जो भी है किसी और के मतलब की नहीं है। अभी तो प्रिंसिपल कह रही थी कि तुम स्पोर्ट्समैन हो, क्यों रेस लगाओगे? तीसरे फ्लोर पे एक घंटी है, उसे बजा के वापस यहाँ नीचे आना है। अगर जीत गए तो ले लेना अपनी किताब, लेकिन अगर हार गए तो नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा, सारा कॉलेज पड़ेगा। क्यों? ठीक है। Hey, chap! Where are you going, man? Come on! This way, man! Go on! Hey, man! Come on! This way! Come on, man! Hey, what's the problem?
Mind blowing, man. Hey. Really good. Come on, man. Ab tak to main sochta tha ki main yahan ka champion hu. Welcome to the gang, man. All right, guys. Everybody to the canteen. Drinks on me. Come on, man. Let's go. Come on. Come on, man. Come on, let's go. Well done, Suraj. Very good, yeah. Well done, dost. Congrats. क्या है क्या इस किताब में? मेरे ख्वाब। ये है अपन का पैलेस और इधर का रेंट है 1200 रुपया। जमता है तो बोल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मैन, मैं तेरे को जैसा ही मिला मेरे को मालूम था तू एकदम करेक्ट आदमी है मैन। और इधर नीचे में एक रेस्टोरेंट है मालूम? उधर 1000 रुपए देने का मंथली और ब्रेकफास्ट और डिनर फर्स्ट क्लास टाइम पे पहुंच जाता है। और क्या चाहिए मुंबई में? तू बोल ना यार। बस एक पार्ट टाइम नौकरी। पार्ट टाइम नौकरी? पैसा कितना तेरे पास वैसे? 321 रुपए। धट तेरे की। तू एक काम कर, 300 रुपए का टिकट खरीद और 21 रुपए का चना और चना चबाते चबाते वापस बनारस जा मैन। इधर काहे को आया मैन? क्यों, क्या हुआ? ये मुंबई है सनी बॉय, मुंबई इतना इजी नहीं है इधर मैन। देख इधर सिर्फ माँ का आशीर्वाद से सब कुछ नहीं चलता है मैन, तो समझ आए ना यार। हाँ, भाई का साथ भी चाहिए होगा ना। मैं कुछ सोचता है मैन। ओए कंजरा, ओए खोतिया, लगता है तेरे को भाई का साथ मिल गया। ये आवाज सुना तू? ये स्वीटी अंकल का आवाज है, इधर का मालिक और 10 टैक्सी का ओनर। जितना आवाज कड़क है ना उतना ही दिल का नरम है मैन। कम ऑन फिक्स यू, कम ऑन। ए आजा आजा, तेरे को ड्राइविंग आता है ना? हाँ। अरे आजा मैन, आजा आजा। ओए हम तो तुम्हें अपने बेटे की तरह समझते हैं और तुम हम, ओए हम लोगों ने तुमको हमारे ऊपर मजाक उड़ाने की परमिशन दे रखी है, ये हमारा बड़कपन है और तुम हमको बेवकूफ समझते हो। सॉरी भाई। ओ चल आए, ओए हमको बेवकूफ ना समझना और खास तौर पे सरदार स्वीटी सिंह को तो बिल्कुल बेवकूफ ना समझना। सर ओए पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता है, और चोरी करने की क्या जरूरत थी? औलाद की तरह रखते हैं तुम लोगों को और फिर भी हेरा फेरी और शर्म आनी चाहिए। हेलो स्वीटी अंकल। ओए इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू बाद में आके मेरे से मिलना। पापा जी चाहे। फिर आ गया तू? ओ तेरे को मैंने कितनी बार कहा है कि तू बाल कटा, ड्राइवर कम और चोर ज्यादा लगता है, दबाओ चल। स्वीटी अंकल चाय के साथ ये खाएंगे बहुत मजा आएगा। ओए मट्ठी ये जी मेरी माँ ने बनाई है। ओ तू बाहर से आया? जी। ना तो मेरे पास कोई कमरा खाली है और ना कोई नौकरी है, और तू लिया इसको? तेरे को तो मैं ठीक करता हूँ, तू बाद में मेरे से मिलना। स्वीटी अंकल मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ आपके यहाँ ड्राइवर कितना कमा लेता है? और जब ड्राइवर रखना नहीं है तो इस बात का फायदा? बस ऐसे ही जनरल नॉलेज। 250 रुपए कमा लेता है रोज का। उसका 250 रुपए मेरे हफ्ते में 7500। आप मुझे 2000 दे दीजिए। इतनी हो रही ना तुम? हाँ देखिए स्वीटी अंकल, हफ्ते में 2 दिन के लिए भी अगर ये टैक्सी खाली पड़ी रहे तो आपको 1500 का नुकसान होगा। काम अच्छा ना लगे तो हफ्ते के अंदर पैसे दिए बगैर निकाल दीजिए। स्वीटी अंकल ईमानदार हूँ, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ और गाड़ी भी बहुत अच्छी चला लेता हूँ। देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, देखिए बस। और सुना कि पंजाबी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। कोई शक है उसमें? और तू यहाँ पढ़ने आया है कि ड्राइविंग करने आया है? जी दिन में पढ़ाई करूंगा, रात को टैक्सी चलाऊंगा। 4 दिन में शहीद हो जाएगा, सोएगा कब? जी मैं सोता कम हूँ, जागता ज्यादा हूँ। बोलता भी बहुत ज्यादा है, आगे पता नहीं जाके लीडर बनेगा। और एक बात और ध्यान रखी, मेरी टैक्सी को जरा भी डेंट लग गया। अरे उसके बारे में फिक्र मत कीजिए, बस मत ठीक है ये बस।